यादव निरहुआ आखिर कितनी फी लेते हैं, क्यों उनका इतना भाव बढ़ गया है, ये जानने का मन तो आपका बड़ा करता होगा। दिनेश लाल यादव ने आखिर इतनी ज्यादा अपनी फी क्यों बढ़ा दी है जो डायरेक्टर्स के पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं, क्या वाकई में ये सच है? नमस्कार, मैं हूं शशिप्रिया और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। आज हम नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिनेश लाल यादव का भाव इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है। वैसे वो तो ज़मीन से जुड़े हुए एक अभिनेता हैं और इसके अलावा अब नेता भी हैं, क्योंकि उनकी जो फिल्म आ रही है द लीडर, ये भी आजमगढ़ की पृष्ठभूमि को देखते हुए बनाई गई है। और जैसे उन्होंने आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था, डोर टू डोर कैंपेनिंग, ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे निरहुआ बाजी मार ले जाएंगे, क्योंकि उनके सभा में लाखों की भीड़ जुटती थी और इस भीड़ को देखकर यह अंदेशा लगाया जाता था कि इस बार निरहुआ की जीत पक्की है। और कई बार तो यह भी खबरें छप चुकी थी कि निरहुआ जीत गए आजमगढ़ से, लेकिन जनता ने उन्हें सिर रखा, आंखों पर बिठाया, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे अखिलेश यादव को। तो चलिए यह जान लीजिए कि आखिर निरहुआ का अब भाव किस मुद्दे पर बढ़ गया है, यह रिपोर्ट देखिए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ इन दिनों अपनी राजनीतिक पारी के चलते काफी सुर्खियों में हैं। भोजपुरी स्टार निरहुआ ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है। निरहुआ बीजेपी के टिकट पर आजमगढ़ से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन वो चुनावी मैदान में तो उतरे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ गया। उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी के टिकट पर आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतरे, उन्हें बिल्कुल भी जनता ने साथ नहीं दिया और नकार दिया, जिसकी वजह से उन्हें बड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी और अखिलेश यादव भारी मतों से जीत गए। निरहुआ का स्टारडम भोजपुरी में सिर चढ़कर बोलता है और उनके फैंस फॉलोइंग भी बहुत ही ज्यादा है। उनके नाम के साथ ही फिल्में ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं। ऐसे में जानना तो बनता ही है कि निरहुआ एक फिल्म के लिए आखिरकार कितनी फी चार्ज करते हैं। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निरहुआ एक फिल्म के लिए 35 लाख रुपए चार्ज करते हैं। ये फी बॉलीवुड एक्टर्स के मुकाबले तो कम है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजपुरी फिल्म की मार्केट यूपी, बिहार और झारखंड तक सीमित है, जिस वजह से एक रीजनल फिल्मों के हीरो को इतना अमाउंट मिलना बहुत बड़ी बात है। दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे महंगे एक्टर में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 में फिल्म चलत मुसाफिर मोहलिया रे से किया था। पहली फिल्म की रिलीज के बाद निरहुआ 2 साल तक सिनेमा के पर्दे से गायब रहे, लेकिन साल 2008 में उनकी 6 फिल्में एक साथ रिलीज हुई। निरहुआ अब तक 45 फिल्में कर चुके हैं और उनकी अगर आने वाली फिल्मों को भी जोड़ दें तो ये फहरिस्त तो बहुत ही लंबी हो जाएगी। साल 2019 में उनकी 6 फिल्में रिलीज होने की बात कही जा रही थी, जिसमें से कई रिलीज भी हो चुकी हैं। यानी कि निरहुआ का पॉलिटिकल करियर भरे ही कैसा भी हो, भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ उनका ही राज है। और इस वक्त पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ एक फिल्म भी आ रहा है, द लीडर। निरहुआ द लीडर, ये फिल्म अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आजमगढ़ के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी नजर आएगी और इसकी बहुत सारी शूटिंग आजमगढ़ में भी की गई है। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सबसे ज्यादा भोजपुरी फिल्म की सुपरस्टार एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे के साथ काम किया है। दोनों ने पिछले 5 साल में 25 से भी ज्यादा फिल्में की हैं, यानी कि 1 साल 5 फिल्में इन्होंने की। और इसके अलावा भी कई ऐसे गाने हुए जो सुपर डुपर हिट रहे। एक टीवी इंटरव्यू में निरहुआ ने कहा था कि वो बचपन में करिश्मा कपूर के बहुत बड़े फैन थे, क्लास पैंक करके अक्सर वो उनकी फिल्में देखने के लिए जाया करते थे। तो इस हिसाब से निरहुआ जितने क्लास की फिल्में करते हैं, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जो ये फी है, ये काफ़ी महंगी है। सबसे ज़्यादा फी लेने वाले हैं निरहुआ। निरहुआ इस वक्त आजमगढ़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस मोड में नज़र आ रहे हैं और आजमगढ़ की जनता के लिए कई सारी खुशखबरी लेकर आए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पिछले दिनों आजमगढ़ में स्ट्रीट लाइट भी लगवाई हैं सड़कों पर, जिससे वहां की जनता काफ़ी खुश है। वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से बेहद खुश हैं और उनके रास्तों पर चल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बार बार हार के बाद अमेठी में जीत हासिल किया, शायद अब उसी राह पर चल पड़े हैं निरहुआ। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट।
तो देखा आपने, दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ के लिए दिल खोल कर लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन 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 भोजपुरी फिल्मों में उनकी जो फीस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और वो अपनी एक मूवी के इतने सारे पैसे लेते हैं भैया। वैसे निरहुआ जो पैसे लेते हैं उन पैसों को समाज सेवा में भी लगाते हैं और खेसारी लाल यादव की तरह निरहुआ भी अब लगातार समाज सेवा की तरफ अग्रसर नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से आजमगढ़ में उन्होंने तमाम स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करवाया और आज वो सड़कें दूधिया रोशनी से नहा रही हैं, इससे तो बस यही अनुमान लगाया जा सकता है कि आजकल निरहुआ दिल खोल कर दान भी कर रहे हैं। तो जैसे वो फीस ले रहे हैं वैसे दान भी कर रहे हैं, तो ऐसे में जो उनका इक्वेशन है वो बराबर बराबर चल रहा है। तो क्या वाकई में निरहुआ अब उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर कि महानता की पराकाष्ठा शुरू होती है? तो नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।